इतिहास की गुरु पूर्णिमा व गंगा स्नान के शुभ अवसर पर झनकैया नहर पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सुचारू रूप से आयोजित किया गया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष लगने वाला यह मेला बड़ी धूमधाम से लगभग एक सप्ताह तक आयोजित होता था। मेला स्थल उद्घाटन से पूर्व ही लोगों से भीड़ भरने लगता था। इस मेले में सभी समुदाय और वर्गों के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, परंतु इस बार कोरोना संक्रमण के भय से व सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सूक्ष्म मेले का आयोजन किया गया। दुकानदार से लेकर श्रद्धालुओं व ग्राहकों की संख्या भी मेले में कम नजर आई। कुल मिलाकर मेला सुनसान रहा तथा दुकानदार भी मायूस बैठे रहे। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर गंगा मैया से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं समाज सेवी महेश जोशी ने बताया कि मेले का विधिवत उद्घाटन तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना के बाद मेले का आयोजन किया गया है। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, मेले में बहुत कम दुकानें लगी हैं। फल व्यवसायी अनवर का कहना है कि कोरोना के चलते हम लोगों का व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गया है, भुखमरी के कगार पर हैं। सुबह से दुकान पर लगातार बैठे हैं, बिक्री बट्टा कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि हर साल अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मेला कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह दानू ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते मेला नहीं लगवाया गया है, केवल पूजा अर्चना करके औपचारिकता पूरी की गई है। दानू ने बताया कि महामारी से बचे रहेंगे तो ऐसे मेले बार बार आते रहेंगे। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील किया कि इस बार गंगा स्नान अपने घर पर ही करें तथा अपने आप भी महामारी से बचे और जनता को भी महामारी से बचाएं। आस्था को देखते हुए मेले का जो है विधिवत उद्घाटन तो नहीं हो पाया, लेकिन जो है पूजा अर्चना के द्वारा जो है लोगों की जो है सुविधा के अनुसार यहाँ व्यवस्था भी बनाई गई है हल्की फुल्की, और जो है गंगा स्नान का जो पर्व है इसको बनाने के लिए जो है जो लोग आ रहे हैं उनने जो है अपनी आस्था की डुबकी लगाई है, और जो है सूक्ष्म रूप से जो थोड़ी बहुत जो है दुकानें आई हैं ये भी जो है लगभग जो है बच्चों की रुचि के अनुसार ही क्या रहती है, कितने दिन उसका भी जो है योगदान नहीं के कारण जो हम मेला नहीं लगा रहे, खाली हम गंगा पूजा करवाए के मेला समापन की तरफ भी ले जा रहे हैं, क्योंकि महामारी से बचे रहेंगे तो मेले ऐसे गंगा स्नान बार बार आते रहेंगे। मैं तो क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि आप गंगा स्नान अपने घर में ही करें और महामारी से बचें और अपने आप भी बचें, पब्लिक को भी बचाएं। मेला कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं यही गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र को हमेशा सुख संबंध करें और बीमारी से मुक्त। आपका नाम? शेर सिंह दानू। दुकान लगाते हैं, अब की एक भी ग्राहक नहीं है और भुखमरी भी कराते हैं। इस टाइम क्या कहें, बिक्री बट्टा कतई नहीं है, मेला हुआ ही नहीं, मेला लगनी है। दुकान लगा के बैठे सुबह से, बोनी बट्टा कुछ नहीं। ये कितने दिन का मेला लगता था? मेला 8 दिन मेला लगता था, कोरोना चलते बहुत बड़ा असर पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम अनवार साहब।